अब अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को मैक्सिमम से जीरो बहुत कम टाइम में लेकर आऊं, तो मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। जब मैं इस बल्ब को इस बैटरी से कनेक्ट करता हूं, तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, यानी चार्जेस इस बल्ब में से फ्लो कर रहे हैं। लेकिन इस बैटरी के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो चार्जेस को पुश कर रही है इस बल्ब में से? उस ताकत को हम कहते हैं ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इस बैटरी की ईएमएफ को हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर हमें बता रहा है कि इस बैटरी के पास इस वक्त 12 वोल्ट्स मौजूद हैं, और यही ईएमएफ ही है जो कि करंट की वजह बनती है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा कि जब हम किसी मैग्नेट को एक कॉइल के अक्रॉस मूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक करंट फ्लो करता है। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि करंट तो तभी बनेगा जब ईएमएफ मौजूद होगी। तो यह कहने की बजाय कि मैग्नेट की मूवमेंट से करंट बना है, मैं कहूंगा मैग्नेट की मूवमेंट से ईएमएफ इंड्यूस हुई है। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम सिंबल देते हैं एप्सिलॉन का। और आज हम यही देखेंगे कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इस वक्त ये मैग्नेट कॉइल के बहुत करीब है और बहुत सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से पास कर रही है, मतलब फ्लक्स मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैं इसे दूर ले जाऊं, तो अब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल में से पास नहीं कर रही, मतलब इस पॉइंट पर फ्लक्स जीरो है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को मैक्सिमम से जीरो बहुत कम टाइम में लेकर आऊं, तो मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। और अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को मैक्सिमम से जीरो बहुत ज्यादा टाइम में लेकर आऊं, तो मैं देखता हूं कि ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटरवल इन विच द फ्लक्स इज चेंज। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। ये मेरे पास एक फेराइट मैग्नेट है और ये बहुत वीक मैग्नेट्स होते हैं। अगर मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के अक्रॉस मूव करूं, तो मैं देखता हूं नीडल में डिफ्लेक्शन तो हो रही है, लेकिन बहुत कम डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब बहुत कम ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। लेकिन अगर इस फेराइट मैग्नेट की जगह मैं न्यूडीमियम का मैग्नेट यूज करूं, जो कि बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है, और टाइम इंटरवल को इस दफा कॉन्स्टेंट रखूं, तो फिर मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट्स, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। अगर मैं टाइम इंटरवल को भी कांस्टेंट रखूं और नेचर ऑफ द मैग्नेट को भी कांस्टेंट रखूं, और सिर्फ इस मैग्नेट को इसके एक्सिस पर रोटेट करूं, तो मैं देखता हूं जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है, वैसे वैसे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इसका मतलब तो यह हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। और एंगल को फिलहाल मैं थीटा लिखने की बजाय कॉस थीटा लिख देता हूं। आपने नोट किया कि पहले तीन फैक्टर्स के लिए मैंने कॉइल को चेंज नहीं किया, लेकिन अब वक्त आ गया कि मैं डिफरेंट कॉइल्स को यूज करके देखूं कि कब ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी और कब कम इंड्यूस होगी। हम देख रहे हैं कि इस कॉइल में कॉपर की नंबर ऑफ टर्न्स कम है, लिहाजा जब मैं मैग्नेट को इसके अक्रॉस मूव करता हूं, तो बहुत ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। मैं देख रहा हूं कि इस कॉइल में पिछले कॉइल की निस्बत नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, लिहाजा जब मैं मैग्नेट को इसके अक्रॉस मूव करता हूं, तो मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। अब बात करते हैं कॉइल के एरिया की। इस कॉइल का एरिया काफी ज्यादा है, लिहाजा जब मैं मैग्नेट को इसके अक्रॉस मूव करता हूं, तो मैं देखता हूं कि काफी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। लेकिन इस कॉइल का एरिया प्रीवियस कॉइल से बहुत कम है, लिहाजा जब मैं इसके अक्रॉस मैग्नेट को मूव करता हूं, तो मैं देखता हूं बहुत ही कम ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द कॉइल। अब ये जो पांच फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर मैं इनको तरतीब से एक ही इक्वेशन में लिख दूं, तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है। लेकिन ठहरिए, हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला, जो कि बी ए कॉस थीटा के बराबर था, और इस इक्वेशन में भी मुझे बी ए कॉस थीटा नजर आ रहा है। तो अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं डेल्टा फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से, तो ये मेरे पास आ जाती है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म।